नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दियर नेदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है गुजरात पाकिस्तान से आए 108 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। सो जल्दी से चलते हैं, वॉच करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और देखते हैं कि भाई 108 लोगों को जो है ना, वो हिंदू जो आए हैं पाकिस्तान से भारत, वो क्यों आए, क्या कैसे हुआ ये पॉसिबल, वो चलकर देखते हैं वीडियो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। पाकिस्तान से कई लोग भारत जब आए तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें भारत की नागरिकता भी एक दिन प्राप्त होगी। आज ऐसा ही एक क्षण है जब कई लोग जो पाकिस्तान से आकर, जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, उन्हें भारत ने स्वीकार किया है और उन्हें नागरिकता पत्र दिए गए हैं। मैं इस वक्त अहमदाबाद गुजरात में हूँ और हम ऐसे ही खुश जोड़े से बात कर रहे हैं जो हमें बता रहे हैं अपनी कहानी के बारे में। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम हितेश गंगवानी है। और आप इंडियन ही हैं, लेकिन आपने अभी अभी मुझे बताया कि आप इंडियन हैं और आपकी जो वाइफ हैं वो पाकिस्तान से। हाँ मैम, ये कराची पाकिस्तान से हैं और मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ हम। और समझो कैसे, ये लोग 14 ईयर से यहाँ पे हैं। 2009 में ये लोग यहाँ पे आए थे और 2011 में हम लोग स्कूल में मिले थे। अच्छा। और तब से ही लेके हम साथ में ही हैं। क्या बात है, तो आपका भी सीमा हैदर और सचिन वाला जो प्यार है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, वो हो गया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। एक्चुअली मुझे सबसे पहले, मेरी इससे फ्रेंडशिप इसके लिए हुई क्योंकि हर कोई इनको थोड़ा बहुत कैसे बोलते हैं ना, चढ़ाते हैं या क्या उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान लोगों को सब बहुत, उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि पाकिस्तानी लोगों को सब गलत नज़र से ही देखते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंडशिप इसके साथ इसके लिए हुई। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, ये लोग काफ़ी यहाँ पे, इनको यहाँ पे रहना ही है, कुछ भी हो जाए इनको यहाँ पे रहना ही है। और ये लोग वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते थे, तो मैं नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पे भी आके किसी के साथ, हमको पता था यहाँ पे आके भी ये लोग सेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इनसे फ्रेंडशिप की, और फ्रेंडशिप कब लव में बदल गई हमको पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ, और ये जैसे बता देते ना, तो मुझे आज भी इनके जैसे, इसके पूरे मामास वगैरह वहीं पे हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो मेरे को बोलते हैं हम चाह के भी वहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि अब शायद वहाँ पे उनकी सरकार ऐसी हो चुकी है ना, वो इंडियंस को वहाँ पे, समझो पाकिस्तानियों को इंडियन जाने ही नहीं दे रहे। तो आज भी वो मेरे को बोलते हैं कि कुछ करो कुछ करो, हमको सबको यहाँ पे आना है, क्योंकि वो लोग सब देखते हैं। इनके 8 मामा हैं, 4 मामा आ चुके हैं, 4 मामा वहीं पे हैं, और वो आज भी कहते हैं कि हमको आना है, हमको आना है। और उनके भाई यहाँ पे लगे हुए हैं कि कुछ तरीका मिल जाए, कुछ तरीका मिल जाए और हमारे भाई यहाँ पे सेट हो जाए। क्योंकि वो लोग देखते हैं ना, इन सब ने ही, मतलब जैसे मेरे ससुर जी ने, इसके मामा जी ने, सब ने यहाँ पे आके अच्छी तरह की, अच्छी प्रगति कर ली इंडिया में आके, सब ने 10 सालों के अंदर काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया। तो वो लोग भी चाहते हैं हम भी एक सुखी ज़िंदगी जिए, सबकी बेटियाँ, सबकी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। और उधर आज तक लड़के भी, समझो दुकान पे, समझो अगर पैसे लेके बैठे हों या गोल्ड की चेन पहन के बैठे हों, तो वहाँ पे समझो, समझो उसी टाइम शूट हो जाते हैं वहाँ पे, समझो आज भी वो लोग बताते हैं। और महंगाई तो पूरे विश्व को ही पता है कि वहाँ पे महंगाई तो कितनी हो रखी है। तो इस वजह से उन लोगों को ऐसा है कि नहीं, हमको एक सिक्योर नेशन में जाना, और सिक्योर नेशन सबको पता है, इंडियन जैसा सिक्योर नेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो हम इसी वजह से, हम समझो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम बोलते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जो वहाँ पे दिल से आना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और बाकी आप इनसे पूछ लीजिए इनकी वहाँ की कहानियाँ। मैं जस्ट अभी पूछना चाह रही थी, ये तो दामाद बन गए, तो इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है आपके परिवार के लोगों को भी भारत लाना है। आप पाकिस्तान से थी और आपको लोग चिढ़ाते थे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, तो तब कैसा लगता था आपको? बहुत, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं हिंदू क्यों, मैं पाकिस्तान में क्यों रहती हूँ। मतलब आप हिंदूज को ऐसे ट्रीट करते थे ना कि जैसे आतंकवादी हूँ, ऐसा टेररिस्ट हो। बट यहाँ पे इंडिया में आके बिल्कुल भी किसी के लिए भी ऐसा, मतलब रिलीजनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं है भेदभाव, इंडियन हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, यहाँ पे सभी इक्वल हैं। वाले बन बिल्कुल आपको चिढ़ाया बिल्कुल नहीं, स्कूल टाइम तक था वो सिर्फ समझो महीना दो महीना, जब तक ये लोग न्यू आए थे ना, उसके बाद समझो सब समझ गए। देखो जब तक हम किसी से मिले जुले नहीं, बात नहीं करें, तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि नहीं यार ये लोग भी ऐसे ही होंगे। बट फिर जैसे जैसे लोग जानने लगे, पहचानने लगे, सबको लगा नहीं यार ये लोग जेन्युइन लोग हैं। और जेन्युइनली, और सब ने जैसे, इनकी समझो 3 सिस्टर्स हैं और तीनों ही आज वेल सेटल्ड फैमिली में मैरिड हैं, मतलब समझो एक छोटी है, यंगर है, बाकी 2 एल्डर सब अच्छी जगह पे फैमिली में मैरिड हैं और सभी लोग खुश हैं। तो समझो हम इसके लिए ही चाहते हैं कि जो फैमिली वहाँ से दिल से आना चाहते हैं, तो वो लोग आए और यहाँ पे आके हमारे नेशन को और ज़्यादा प्राउड फील हो। एक बात बताइए, आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? 4 ईयर्स हो गए जी। और आज आपको भारत की नागरिकता मिल रही है शादी के 4 साल बाद जी। तो भारतीय तो अब तभी हो गई थी जब आपने इनसे शादी कर ली थी, ठीक है?
सीमा हैदर और सचिन जैसी ये कहानियां पहले भी होती आ रही हैं भारत में, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल है। जब हम गदर पिक्चर देखने गए थे ना, गदर 2, तो बोलते हैं ना सन्नी बाजी तो पाकिस्तान का दामाद है, तो मेरे ससुराल वाले मेरे को जो उधर बैठे हैं ना आज भी इसके मामा लग, तो वो भी बोलते हैं तू भी पाकिस्तान का दामाद है, चिंता मत कर हमको यहाँ पे बुला ले, तो वो सब बताते ही हैं ऐसा। हाँ, तो वो समझो सब मेरे को बोलते ही रहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो। मैंने बोला पक्का, हम यहाँ पे जब भी मैं पायल मैम से मिलता हूँ, मैं एक बार मिला था, मैंने तब भी उनको बोला था, पर अभी क्या है वहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में, जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने को रेडी नहीं है इस रिगार्डेड, तो फिलहाल इस वजह से वो वहाँ पर स्टक नहीं है, बट वो काफ़ी दिल से चाहते हैं कि हम लोग इंडिया आएँ। कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, काफ़ी लोग हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, वो एक जो डायलॉग बोलते हैं ना, अगर एक बार इंडिया अलाउ कर दे और समझो आधा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, आधा नहीं 75% लोग यहाँ आ जाएंगे, हिंदू तो एक भी नहीं बचेगा, मैं लिख के देता हूँ। वहाँ पे जो लोग तरस रहे हैं ना इंडिया की, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया जो इस टाइम पे ग्रोथ लेवल पे है ना, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और वो लोग दिल से चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके बसें और हम अपनी बेटियों का सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी में बड़ी मैम आपको भी पता है, लड़कियों के लिए सेफ्टी हर किसी की प्रायोरिटी है, और उधर बिल्कुल मैम बिल्कुल, वहाँ पे जो मेन में मेन है ना कि लड़कियों के लिए वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो लड़की इतनी आईटी सेक्टर्स में आगे हैं, आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में भी इतनी आगे हैं, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे लड़कियों के लिए मीडिया पे रील्स देखते हैं, लड़कियाँ पाकिस्तान से खूब सारी रील्स वगैरह बनाती हैं, तो क्या वहाँ पे अब डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आया? मैम ठीक है, कुछ कुछ इलाकों में होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स हैं जिनसे आज भी हमारी बातचीत होती है, तो वो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स लोग ठीक है, आज भी वो लोग वो इतना नहीं बोलते हैं, बट ठीक है, जो जैसे हिंदू कम्युनिटी ना कि हमें रहना ही यहाँ पर, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इंडिया जा ही नहीं सकते, तो अभी उनको वहाँ पर ही रहना है, तो रहते हैं ऐसा मतलब के। आपकी फ्रेंड्स रील्स वगैरह जब बनाती हैं तो आपकी बातचीत होती है उनसे, क्या वो क्या कह रही हैं आपको, भारतीय नागरिकता मिल गई है? यही बोलते हैं रील्स वगैरह सब सिर्फ जस्ट शो ऑफ है, बस हमको पता है वहाँ पर कैसे रहना है ऐसा, अब एक एक दिन निकालना भी ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं इसकी इस वजह से। आप लोग भी मैम कराची के आसपास ही रहते? कराची में ही। एक्चुअली वहाँ पे मैम कैसा है, जिसके पास पैसा है तो ठीक है, पैसा है तो भी डर तो है कि कभी भी तुम ख़त्म हो जाओगे, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वहाँ पे, समझो आपको पता है आटा वहाँ पे बीच में टमाटर 400-500 रुपए किलो, आटा तो 200 रुपए किलो नॉर्मल है वहाँ पे हर एक चीज़, तो वो लोग समझो जो मिडिल क्लास फैमिली है ना वो सर्वाइव करने के लिए इस टाइम पे समझो स्ट्रगल है, और वहाँ पे कमाई इतना आसान तरीका नहीं है, उधर आप कमाने के तरीके ढूंढोगे आपको ख़त्म कर देंगे ऐसा, और जिसके पास पैसा है उनको भी टेंशन है, और उधर मैम हथियार वथियार तो बहुत नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे हर कोई अपने घर पे रिवॉल्वर राइफल तो रखता ही है, ऐसा है नॉर्मल है सेफ्टी के लिए। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए समझ लो, या बस किसी उधर तो समझो कैसा है कुछ भी कर सकते हो, उधर की सरकार को कैसा नहीं है क्या, नॉर्मल इंसान भी डाउन नहीं है समझो। मैं जिनसे बात कर रही हूँ इस वक्त वो बहुत ही खुश लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैम को तो अभी अभी भारतीय नागरिकता मिली है, और जो सर हैं यहाँ पर ये दामाद हैं पाकिस्तान के, जैसे इनके परिवार इनको कहता है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि कई ऐसे हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करते, भारत उनको नागरिकता दे रही है, लेकिन देखना ये होगा कि और भी जो समुदाय हैं, जैसे वहाँ के अहमदिया हैं, अगर वो भी आप कह रहे हैं अनसेफ फील करते हैं, या जैन हैं या ईसाई हैं, क्या भारत उनको भी इस तरीके की नागरिकता देगी? लेकिन आपकी जो लव स्टोरी है वो मुझे देखकर आज सीमा और सचिन हैदर के प्रेम कहानी की भी याद आ गई, जिसको मिलियंस जो लोग हैं वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर, और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सीमा हैदर से पहले भी ऐसी क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और भारत की प्रेम कहानियां होती रही हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आज यहां गुजरात में हैं, पिछले 10-11 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन गुजरात की सरकार ने आज उनको भारतीय नागरिकता पत्र दिए हैं। ऐसे कुल 108 लोग हैं, कुछ इनमें से हमारे साथ है इस वक्त। ताई, आप पाकिस्तान से कितने साल पहले भारत आ गए? हम 10 साल हुआ आए को। पाकिस्तान में आप लोग क्या काम करते? वहाँ भी मजदूरी करते थे, ये लड़के रहते थे बाहर पे, किराने की दुकान थी हमारी। हाँ, और क्यों आपको पाकिस्तान से यहाँ पर आना पड़ा भारत? दिल नहीं लगा उधर, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कहाँ रहते थे आप पाकिस्तान? अमरकोट जिले पे रहते थे, कुंदरी शहर पे रहते थे। क्या कुछ तकलीफें थी, क्योंकि सरकार कह रही है कि वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ थी इसलिए आप यहाँ? उधर दूसरों को होते थे, हम तो सही थे,
दूसरों को होता तो देख के दिल टूट गया उधर आने से। क्या देख कर दिल टूट गया? बस एक बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को उठाते थे, एक फर लुटवाती थी, मार कुटवाती थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। डर था वहाँ? हाँ, थोड़ा डर लगा रहता था। अब आपको जब भारतीय नागरिकता मिली है तो आप बेहतर और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत दिल धुम के उठ रही है कि हम इधर के हो गए। खुश हैं कि आप भारत के? हाँ, खुश हैं कि आप भारत के हो गए? बहुत खुश हैं हम, अभी हम यहाँ के हो गए। वहाँ से हैं। एक बात बताइए कि वहाँ पर क्या महिलाएं वाकई में सुरक्षित नहीं महसूस करती? हम तो सही थे उधर, तो अच्छे हमारे तरफ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा हम नहाते थे। अभी ऐसा बहुत है, अभी जो स्पेशल आदमी है उनको टेंशन। अगर आप वहाँ भी सुरक्षित थे तो आप वहाँ भी सुरक्षित थे तो यहाँ आने की क्या जरूरत? कुछ भी नहीं, ऐसे आए हम, पर अपना मुल्क इसलिए आ गए और कुछ भी नहीं। ऐसा बैठा था हिंदू भाई, हिंदू ही है ना, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे को मीडियम दे ऐसे साथ, हमारे को कुछ भी नहीं था। वो भी अपना मुल्क, ये अपना, ये अभी मेन तो मुल्क यही अपना देश है, इसलिए फिर यहाँ आ गए अपने पास, और कुछ भी नहीं है। नाम है आप? जयप्रकाश मेरा नाम है। तो कई जो पाकिस्तान रहते थे वो पाकिस्तान छोड़कर अब भारत आ गए, यहाँ पर बस गए, लेकिन यहाँ की नागरिकता नहीं थी, और कुल 1150 तक नागरिकता आज भी गुजरात सरकार ने। तो भाई ये है कुछ लव स्टोरी। अच्छा, सीमा और सचिन के साथ इनकी स्टोरी को मिलाया जा रहा है, तो मैं एक बात कहूँ तो सीमा और सचिन की स्टोरी से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये स्टोरी एक रियलिटी बेस्ड नज़र आ रही है और इसमें फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और एक प्रॉपर तरीके से शादी हुई है, लव हुआ है, तो मतलब ये केमिस्ट्री एक फिल्मी टाइप लग रही है। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है कि लड़की की फैमिली आती है इंडिया में, और वहाँ पर जो है ना लड़का उनके साथ, उसको सेफ फील कराने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ रहता है, दोस्ती करता है, और फिर वो दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाती है और कब फिर वो शादी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये वाली स्टोरी जो है ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लगती है मुझे, कि दोस्ती और दोस्ती से फिर मोहब्बत और मोहब्बत से शादी, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। खैर, ओवरऑल देखा जाए तो कराची में ये रहती थी, तो कराची में तो लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन जो बाद में अम्मा जी आई हैं वो कुंडरी में रहती थी। तो कुंडरी जो है अमरकोट, जो उमरकोट भी जिसको कहा जाता है, तो वो आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि वो एक विलेज टाइप सिटी है, तो वहां पर ऑलमोस्ट ही हिंदू रहते हैं। लेकिन एक बात है कि वहां पर फैसिलिटीज उस तरह से नहीं अवेलेबल होती जैसे कि कराची में है, लेकिन जाहिर सी बात है एक अदर रिलीजन से बिलोंग करते हुए लोग हैं, अदर जो है वो धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुस्लिम्स के बीच में रहना और फिर चर्चेस टूटना, आई थिंक कुछ ना कुछ इंडिया में कुछ हो रहा है तो वही पाकिस्तान में फिर उसका असर नजर आता है पाकिस्तानी हिंदुओं को, तो ये चीजें बड़ी ही यू नो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं इंसान के ऊपर। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि भाई लोग जो है वो महंगाई से बहुत ज्यादा दो चार है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से महंगाई, खैर उस टाइम में तो इतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई हो चुकी है, खाने की हर चीज बहुत महंगी हो गई है, तो उस लिहाज से ये लोग तो हेवन में चले गए भाई, जन्नत में चले गए, इतनी महंगाई से लोग बच के अपना वहां पर जाके बिजनेस खोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आईटी सेक्टर में आप गर्ल्स को इतना आगे प्रमोट किया जाता है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, जबकि हमारे यहाँ पर देखिए मैं ये कहूंगी कि मैं कभी भी अपनी कंट्री को डीवैल्यू नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे रियलिटी बेस्ड बातें करनी पड़ती हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पर अगर बात की जाए जो यहाँ पर बिजनेस की तो वो बहुत कम है। डिग्री होल्डर्स जो हमारे यहाँ के यंग जनरेशन है वो आलू पकोड़े और चिप्स की स्टॉल्स लगा के बैठे हुए, क्या करें, जॉब्स नहीं है तो फिर वो यही काम कर लेते हैं। एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी एक प्यारी सी फैमिली है और आधे लोग शिफ्ट हो गए हैं अब, क्योंकि पहले आसान था इंडिया में जाना, लेकिन जब से समझौता इशू आया, फिर कश्मीर 370 हटा, उसके बाद से जो हालात है वो भारत के और पाकिस्तान के खराब हुए हैं, और अब बाकी पाकिस्तानियों को जो है वहां के लिए वीजा नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये है कि हाँ स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कोई आपकी गारंटी वगैरह दे, तो फिर मेरे ख्याल से आपको वीजा इजिली मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को वीजा इंडिया की तरफ से नहीं मिलता, पाकिस्तानी वीजा नहीं देते, इंडिया मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को वीजा देती है। तो इंडियन एजेंसी को चाहिए कि वो इनके लिए आसानियां करें, और पाकिस्तानी जो लोग जाना चाहते हैं, स्पेशली हिंदू जाना चाहते हैं, अगर वो खुद खुशी से जाना चाहते हैं तो फिर उनको वीजा देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, ताकि वो भी वहां पर जाएं और खुश रहें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो जाहिर सी बात है मैं खुद चाहती हूँ मैं भारत जाऊँ और वहां जाके मैं भारत में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करूँ, वहां की लाइफ स्टाइल को देखूँ। और मैंने सुना वहाँ गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, तो मतलब अगर मैं वहाँ रहती तो डेफिनेटली मैं गाड़ी भी खरीद लेती, लेकिन हम यहाँ पे गाड़ी नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है। उतने में जितने में इंडिया की गाड़ी आती है उतने हमारे पास बाइक आ रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। एनीवेज खुशी हो रही है कि वहाँ पर लोग पाकिस्तान से जाके देखे कितना खुश हैं, अच्छी बात है। फ्रेंड्स इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।